ये सर मुझे बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में भी हमने देखा है कि मंडियों में आवकें कम हैं और जो डिमांड फैक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा हावी होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आगे अगर लॉकडाउन नहीं लगता है और अगर डिमांड एज इट इज़ बनी रहती है, तो क्या कॉटन की कीमतों में आगे तेजी देखने को और मिल सकती है? देखिए, कॉटन में हमें लगता है कि जो ट्रेंड पकड़ा है वो आगे पॉजिटिव रहेगा और जल्दी ही भाव हमें लगता है कि 36,000 के लेवल को छू सकते हैं। तो कॉटन में खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए, कहीं ना कहीं ट्रेंड पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि कॉटन में आगे भी कंटिन्यू तेजी रहेगी, 36,000 तक के लेवल के लिए खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं जी।